ब्रेक के बाद भूल प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। लॉकडाउन में सभी कोई अपने घरों में कैद रहना ज्यादा मुनासिब समझते हैं और दूरी बनाकर, ताकि कोरोना वायरस को हम सभी मिलकर दूर भगाएं। लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत से लोग घर पर बैठे ही अपनी शिक्षा ग्रहण ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में भी कई शिष्य जो है अपने गुरुओं से ऑनलाइन संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण हो रही है। लॉकडाउन की स्थिति में अगर सबसे ज्यादा बुरा हाल है तो वो है विद्यालय की, स्कूल की छात्र छात्राओं की। लेकिन काफी संख्या में कई विद्यालयों के लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, ताकि छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और इसी ऑनलाइन के माध्यम से संगीत की भी पढ़ाई जारी है। इस संदर्भ में भोजपुर दर्शन ने कई लोगों से, छात्र छात्राओं के अलावा गुरुजनों से भी बातचीत की। आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह ऑनलाइन संगीत की पढ़ाई प्रारंभ हो रही है। दिया गया था सारे अलंकारों को एक गुण में, दुगुण में और चौगुण में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक गुण में, दुगुण में, चौगुण में सरगम बोल करके और आलाप के साथ प्रैक्टिस करके फिर उसका वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको हम सुनेंगे, देखेंगे कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर आपको आगे बताएंगे। हाँ, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, समय ही समय अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए, करके वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको हम देखते हैं, सुनते हैं, फिर आगे बताते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में जो है, जैसे मान लीजिए किसी के थ्रू कोई किसी का साथ दे रहा है, वो कुछ नहीं है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाया है जो आदमी, उसको भूल जाना सबसे मूर्खता है। वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज तो वो पहुंच गया, लेकिन तुरंत वो गिर जाता है। जो साथ दिया है, वो जिसको पढ़ाया है, उसको जिंदगी भर याद रखना चाहिए, नहीं तो वो आदमी या इंसान नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा, कुछ कलाकार छोटू छलिया को आगे बढ़ाया, मगर आज भी छोटू छलिया अपने गुरु को, अपने प्रोफेसरों की इज्जत करते हैं, आज भी साथ चलते हैं। पर आज के दिखा जाए कि जो आज जार गाना गा रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने वो अपने आप को स्टार समझता है कुछ ऐसा, क्या कहेंगे? देखिए आज क्या है ना, दो गाना हिट हो गया मार्केट में, तो लोग सोचता है कि हम स्टार बन गए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। गाना हिट हो गया है, दो गाना हिट हो गया, लेकिन हमको सीखना है जिंदगी भर। ऐसा नहीं एक दो गाना हिट हो गया उसके बाद हम छोड़ देंगे साल भर, तो क्या हम तो हिट ही हैं? कलाकार का कोई उम्र भी होता है? नहीं, कलाकार का कोई उम्र नहीं होता है, जिंदगी भर सीखना है, जिंदगी भर मेहनत करना है, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय मिश्रा हुआ। क्या घर हुआ? मोबाइल का समय है, जमाना है, मोबाइल आ जाने से बच्चों का समय तो बर्बाद होता है। अच्छा सर, जो पहले बच्चे संगीत सीखते थे और आज में कितना अंतर है? जो पहले बहुत जल्दी कलाकार है, सुपर हिट, और आज में कितना अंतर है? आप क्या लगता है कि पहले जो आपके जो स्टूडेंट थे और आज में कितना फर्क है? पहले लोग रियाज का महत्व देते थे, अभ्यास करते थे, और जब तक अच्छा से अभ्यास नहीं कर लेते थे तो गाने का हिम्मत नहीं करते थे, मंच पर चढ़ने का साहस नहीं करते थे। और आज है कि संगीत से मतलब नहीं रहा लोगों को, सारे गावा भी नहीं जानते क्या होता है, और स्टेज पे गाने के लिए बेचैन रहते हैं और देखते हैं कि एल्बम, दुनिया भर के एल्बम निकाल लेते हैं। छोटू छलिया आपका शिष्य है सर, बहुत मैंने आपका मान सम्मान है, छोटू छलिया बोलता है तो छोटू छलिया के बहुत एक गरीब बच्चा था और बहुत मैंने हम लोग देखे हुए हैं, तो छोटू छलिया का आपने ज्ञान दिया, कैसे कौन कौन उसमें सहयोग किए हैं छोटू छलिया को? छोटू छलिया बहुत मेहनती लड़का था और मेहनती अभी भी है, बहुत मेहनत किया, बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था और जो अपनी मेहनत के बल पे, अभ्यास के बल पे उन्होंने जो भी किया है, प्राप्त किया है, ये उनके अभ्यास। और कौन सी से सर आपका उन्हीं को? लेकिन संगीत पूरी तरह से अभ्यास पर निर्भर करता है जी। जो जितना अभ्यास करेगा, जितना रियाज में लगा रहेगा वो पाएगा, और जो रियाज नहीं करेगा तो संगीत उसका नहीं होगा। तो लॉकडाउन में ही प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑनलाइन में और
आमना सामने प्रॉब्लम हो रहा है। लॉकडाउन में समस्या हो रही है, लेकिन एक तरह से ये प्लस पॉइंट भी है बच्चों के लिए कि उन्हें रियाज का भरपूर मौका मिल रहा है। वो रियाज करके आए, उसके बाद अब क्लास में उनका सब रूटीन देखेंगे। जितना भी दिया गया अब तक बैठ करके वो रियाज करें, रियाज रियाज केवल रियाज, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। और इस रियाज के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो सोशल डिस्टेंस बनाएंगे और कोरोना से बचे भी रहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम पड़ेगा अजय कुमार मिश्रा। ये हमारी संस्था चलती गायत्री कला केंद्र संगीत विद्यालय, यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, तबला, हारमोनियम, गिटार, माउथ ऑर्गन बहुत सारे। और ये प्रयाग संगीत समिति द्वारा रजिस्टर्ड है, जिससे डिग्रियाँ भी दी जाती हैं। अभी जो लॉकडाउन के चलते स्थिति बंद है, तो आप घर पर रियाज कर रहे हैं, तो कैसे कहीं कमी होता है तो कैसे पूछते हैं? फिर घर पर रियाज करते हैं, जहां लगता है कि मेरा गड़बड़ा रहा है शुरू वगैरह, तो सर से बात करते हैं फोन पे। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो कॉल पे बात करके समझ आ जाता है क्या करना है, कैसे बजाना है। तो क्या सर कैसे बताते हैं आपको? सर फोन से वीडियो कॉल करते हैं, चाहे हम ही करते हैं, हमको दिक्कत होता है तो सर फोन उठाते हैं तो बोलते हैं कहाँ गड़बड़ रहा है, हमको दिखाओ, तो हम बजा के दिखाते हैं, बोलते हैं नहीं यहाँ पे ये सुर लगा, तो वीडियो कॉल में स्पष्ट पता चल जाता है। तभी तो जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन की वजह से, इसलिए बहुत बढ़िया सुविधा है वीडियो कॉल का, उससे हम बजा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अभी जो आपको कितना रियाज किया, रियाज करने का मौका मिल रहा है अभी लॉकडाउन में? हाँ, अभी तो घर ही बैठना है, कुछ करना नहीं है, खाना है, सोना है, तो उसमें रियाज भी करना है। रियाज कितना घंटा कर रहे हैं लॉकबंदी में? रियाज कर लेते हैं, जब समय मिलता है तब रियाज कर लेते हैं। रियाज पर ध्यान देते हैं, तो कोई ऐसा कोई गाना सुनाइए कि जो आप सीखे हैं। एक गाना है, लॉकडाउन पे ही बनाया है, कोरोना पे बनाया है। माँ से गुहार लग रहा है वो बच्चा, बोल रहा है, माँ तू ऐसा कर कमाल कोरोना मिट जाए, माँ तू ऐसा कर कमाल कोरोना मिट जाए, जग में मचा है हाहाकार, जग में मचा है हाहाकार, कोरोना मिट जाए, जग में मचा है हाहाकार, कोरोना मिट जाए, माँ तू ऐसा कर कमाल कोरोना मिट जाए, जग में मचा है हाहाकार, जग में मचा है हाहाकार, कोरोना मिट जाए, जग में मचा है हाहाकार, कोरोना मिट जाए। अच्छा अक्षय जी एक बात बताइए, जो ऑनलाइन जो संगीत सीख रहे, तो प्रॉब्लम तो आती है, दिक्कत होती होगी जैसे क्लास में और इसमें अंतर होता है कि नहीं? हाँ, दिक्कत कभी कभी क्या होता है ना, ऑनलाइन जैसे क्लास करते हैं कभी कभी धुंधला फिगर दिखाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो जो ऑफलाइन में जो पहुंच के संस्था में जो सीखने का जो इंटरेस्टिंग जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं मजा। अच्छा कोई लोग को सोचता है बिना गुरु का ज्ञान मिलता है लोग करने का? नहीं, ये तो असंभव है। नहीं, गुरु है तो ज्ञान है। संगीत कितना तपस्या का चीज़ है? संगीत जितना तपस्या कीजिएगा उतना निखार के आता है, उतना बढ़िया से आता है, रोज प्रैक्टिस का चीज़ है। जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मैथ से यदि हम दो दिन नहीं बनाएंगे तो सूत्र भूल जाएंगे, वही संगीत है, अगर एक दिन हम रियाज छोड़ देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन बटन कल क्या बजाए थे क्या नहीं बजाए थे, रोज का रियाज की चीज़ है। क्या कहना चाहते हैं अपने सभी जितना छात्र हैं छात्राएं सा संगीत जो सीखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं हम कि जो जहां है हारमोनियम है, जिनके पास साज है ना है, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं, गरीब घर के लोग होते हैं कि संस्था में जाएंगे तो ही वो बजाएंगे, घर पर उनके पास साज नहीं रहता है, महंगा 5,000-10,000 का साज नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि जिनके पास साज नहीं भी है वो कृपया ऑनलाइन बने रहें और सर से बात करते रहें, सर का देखें, सर बजाते हुए देखें सर को, और उससे सीखें और फिर क्लास के टाइम में वो अपना बजाते हैं। क्या सिंगर बनने के क्या आपका आगे के क्या भविष्य, सिंगर में क्या चाहते हैं, कैसा आप? मेरा तो सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि हम तो भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, भोजपुर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और भोजपुरी से मुझे इतना लगाव है ना, इतना समझिए भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी को नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आजकल का जो दिन दशा देख रहे हैं भोजपुरी का क्या स्थिति है,
तो हम चाहते हैं कि एज ए टीचर के रूप में हम आगे प्लानिंग है टीचर बनने का, शिक्षक संगीत टीचर। हाँ संगीत टीचर। और तो क्या आप एक चीज़ बताइए कि संगीत टीचर बन रहे हैं तो अश्लीलता के बारे में क्या बोलते हो? अश्लीलता देखिए, अश्लीलता किस भाषा में नहीं है, हिंदी पंजाबी तमिल हर भाषा में। सर आप जैसे लॉकडाउन है कैसे आप सब बच्चों को संगीत दे रहे, शिक्षा दे रहे अभी फिलहाल? लॉकडाउन होने के चलते चूँकि सोशल डिस्टेंस का पालन तो करना सबको जरूरी है, इसलिए बच्चे लोग तो आ नहीं रहे हैं, आना आना है, तो ऐसी स्थिति में हमने बच्चों से कहा है कि आप लोग के पास समय ही समय है, रियाज कीजिए, अभ्यास कीजिए, जिसको जहाँ दिक्कत हो, जहाँ परेशानी हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं या नोटिशन गाना का लिख के हम देंगे, उसका प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए, रियाज करने के बाद आप उसका वीडियो बना करके हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको हम देखेंगे, देखने के बाद कहाँ गलतियाँ हो रही है आपसे उसको फिर हम सही ढंग से बताएंगे आपको, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभी कि आपके पास समय ही समय है, सारे बच्चों से हमारा अनुरोध है कि समय ही समय आपके पास है, आप प्रयास कीजिए। सर ऐसा नहीं लग रहा कि जो ऑनलाइन और एक आमने सामने जो क्लास होता है उसमें कितना फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, संगीत गुरु शिष्य परंपरा का चीज है, गुरु सामने होते हैं, मौखिक सुनकर जितना लोग सीख सकता है सामने उतना बैक से पीछे से या किसी भी डिजिटल माध्यम से वैसा नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। हाँ तो वो तो परेशानी होती है, परेशानी होगी, फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं सीख पाएंगे। सर कुछ मान लेंगे सर बहुत के पास मोबाइल नहीं है, जो गरीब बच्चा है जो संगीत सीखना चाहता है उसके पास मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल, तो उनको कैसे आप कर सकते हैं? तो नहीं कर पाते होंगे ऑनलाइन के मार्फत, उनके साथ परेशानी है क्योंकि व्हाट्सएप तो चलेगा नहीं, उन पर कुछ लिख के दिया नहीं जा सकता है, तो उसमें उसमें भी बताया जाता है सुन करके ही, ऑडियो सुन करके जैसे फोन करके बताया जाता है, सरगम बताया जाता है, राग रागिनी बताई जाती है, उसके बाद उसका वो फॉलो करते हैं, फिर वो मोबाइल पे ही कॉल करके सुनाते हैं, इस तरीके से संभव हो सकता है। मगर एक चीज़ है सर कि आपका नाम बहुत जिला में है, बहुत आपका शिष्य है, रिंकू ओझा हो गए, छोटू चलिया है और बहुत से ऐसे हैं, तो क्या आपके अभी बच्चों को क्या भी आगे मौका है कि आपके कुछ लोग आगे बढ़ने का मौका मिल लगे? आपके इंस्टीट्यूट बहुत नामी है, छोटू चलिया भी आपका इज्जत सम्मान करते हैं बहुत, मैंने आपके अभी क्या लग रहा है कि बच्चे कोई आगे निकलने का है कुछ? बच्चे लोग तो कमी कहाँ हो रही बच्चों में, छात्र छात्राओं में कमी है कि आप में कमी है कि किस में कमी है? कमी पहले संगीत सीखने में और आज में कितना लोग अंतर है, पहले के लोग में और आज में कितना अंतर है? कमी की बात ये